मंत्री आदरणीय शिवराज जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त जी, आदरणीय हितानंद शर्मा जी, सांसद शंकर लालवानी जी, जयपाल सिंह जी, बहन उषा जी, श्री विजय शाह जी, श्री तुलसी सिलावट जी, श्रीमती अर्चना जी, अमृता यादव, श्री ज्ञानेश्वर पाटिल, गुमान सिंह जी, सभी विधायकगण, हमारी महापौर और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं खंडवा की बात करूंगा। हमारे सांसद पाटिल साहब ने खंडवा के लिए रिंग रोड की मांग की थी। वो खंडवा बाईपास देशगांव से रुधी का कार्य अक्टूबर में शुरू हो जाएगा, ऐसा मैं आप सबको विश्वास देता हूं। इसके साथ साथ सुधी से टुलार तक, टुलार फाटा तक जो है उसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट करने के आदेश मैंने दिए हैं, और वो मिलने के बाद उसके ऊपर भी सरकार गंभीरता से विचार करेगी, ये भी आपको विश्वास देना चाहता हूं। बहनों और भाइयों, इस देश में गांव, गरीब, मजदूर और किसान का कल्याण करना ये भारतीय जनता पार्टी के कार्य की सबसे बड़ी विशेषता है। और मैं आज सबसे पहले हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि देश के इतिहास में अगर कृषि क्षेत्र में पिछले 7 साल से 7 बार प्रथम क्रमांक अगर किसी को मिला है तो शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को मिला है। सिंचाई का क्षेत्र बढ़ा है, उत्पादन बढ़ा है, और जिसके कारण गांव समृद्ध और संपन्न बने हैं। एक समय मध्य प्रदेश की चर्चा बीमारू राज्य करके होती थी, आज वो मध्य प्रदेश एक विकसनशील राज्य करके उसकी चर्चा होती है। तो हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, यही बात को लेकर शिवराज जी ने सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाया, कृषि विकास का दर बढ़ाया, कृषि उत्पादन बढ़ाया और देश में पहले नंबर का अव्वल स्थान प्राप्त किया है। बहन और भाइयों, हमारा किसान अन्नदाता है, पर हम बहुत दिनों से कह रहे थे कि आज हमारे किसानों के फसल को सही दाम मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो भाव होते हैं उसके आधार पर, डिमांड और सप्लाई के आधार पर भाव तय होते हैं। कपास सस्ता है, कपड़ा महंगा है, तेल बिया सस्ती है, तेल महंगा है, संतरा सस्ता है, जूस महंगा है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमने ये तय किया था कि अब किसान केवल अन्नदाता नहीं तो किसान ऊर्जादाता बनेगा, और वो सपना मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। आपने देखा होगा कि 7-8 दिन पहले टोयोटा कंपनी की इनोवा गाड़ी किसानों ने तैयार किए हुए 100% इथेनॉल पर लॉन्च करने का सौभाग्य मुझे मिला। अब ब्रोकन राइस से, मक्के से, ज्वार से, और इतना ही नहीं तो शुगर केन जूस से, मोलाइसिस से, जिसको आप मली कहते हैं, हम इथेनॉल बना रहे हैं। और उससे भी अच्छी बात यह हुई है कि हम लगातार संशोधन करते रहे, पीछे लगते रहे, पहली बार देहरादून से दिल्ली स्पाइस जेट की हवाई जहाज में 50% फ्यूल किसानों ने तैयार की हुई ऊर्जा उसमें डाली थी, उसके ऊपर हवाई जहाज आया। टाटा के विस्तारा कंपनी का हवाई जहाज किसानों ने तैयार किए 50% बायोफ्यूल पर आया। बहनों और भाइयों, अब हमारे यहां बजाज टीवीएस हीरो की स्कूटर भी 100% बायो इथेनॉल पर आई है। हमारे देश में 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट
पेट्रोल डीजल और फॉसिल फ्यूल का होता है। अब यह पैसा किसानों के जेब में जाएगा। केवल किसान ऊर्जा दाता, केवल अन्नदाता नहीं तो ऊर्जा दाता